Hello everyone, I'm Komal from Classomania. In this video, we are going to begin solution chapter. In this chapter, we are going to study what is solution, what is the importance of solution, what are the types of solution, and how can we express the concentration of solution. So let us begin. सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या होगी? इट इज अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस हुज कंपोजिशन कैन बी वेरीड विद इन सर्टेन लिमिट्स। इनका मॉलिक्यूलर साइज क्या होता है? इट इज अप टू 10 नैनोमीटर इन डायमीटर। सॉल्यूशन बीइंग यूनिफॉर्म, इट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन टेक्निक, सेटलिंग और सेंट्रीफ्यूजिंग। सो हम इसे सेपरेट कैसे कर सकते हैं इनके कंपोनेंट्स को? इवेपोरेशन से, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। हमारी लाइफ में सॉल्यूशन की इम्पोर्टेंस क्या है? इन लैबोरेटरी फाइंडिंग्स में सॉल्यूशंस आर यूज्ड, फॉर एग्जांपल टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एन आइडेंटिकल केमिकल विद अननोन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गिवन सॉल्यूशन। एनवायरमेंट में क्या यूजेज है सॉल्यूशन का? एयर इज ऑल्सो होमोजेनस मिक्सचर। दिस इज कॉस्मेटिक। सो फॉर्मुलेटिंग केमिस्ट यूजेस सॉल्यूशन इन मेकिंग शैम्पूज, बॉडी वॉश, क्लेंजर्स, हैंड क्लेंजर्स एसेट्रा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस इज इंडस्ट्रियल। सो क्लीनिंग सॉल्यूशन में, कॉन्सेंट्रेटेड एंड डाइल्यूटेड सॉल्यूशन में डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन यूज होते हैं इंडस्ट्रीज में। नेक्स्ट इज मेडिसिनल। फॉर एग्जाम्पल 1 parts per million फ्लोराइड आयन का टूथ डिके को प्रिवेंट करता है, 1.5 ppm कलर्ड करता है टूथ को, और हायर कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? इट कैन बी यूज एज पॉइजन ऑल्सो। नेक्स्ट इज बायोलॉजिकल। फॉर एग्जाम्पल इंट्रावीनस इंजेक्शन के लिए हमारी बॉडी के आयनिक कॉन्सेंट्रेशन जितना ही कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए जो भी सॉल्यूशन हम यूज कर रहे हैं इंजेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट इज डोमेस्टिक। सॉल्यूशंस आर यूज्ड इन डोमेस्टिक पर्पस ऑल्सो, फॉर एग्जाम्पल क्लीनिंग सॉल्यूशंस, एरेटेड ड्रिंक्स और कार्बोनेटेड वाटर। ये सब डोमेस्टिक पर्पस में हम सॉल्यूशन डेली लाइफ में यूज करते रहते हैं। अगर हमने वन कंपोनेंट लिया, दूसरा कंपोनेंट ऐड कर दिया, तो क्या फॉर्म होगा? सॉल्यूशन फॉर्म होगा। एंड द कंपोनेंट व्हिच इज मोर इन क्वांटिटी, इट इज सॉल्वेंट। जो कंपोनेंट कम होगा, इट विल बी सॉल्यूट। और सॉल्वेंट और सॉल्यूट से क्या बनेगा? सॉल्यूशन बनेगा। तो वी कैन से सॉल्यूट के दो कंपोनेंट हैं, सॉल्यूट, सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। नेक्स्ट इज द टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा, अगर सॉल्यूट एक है, सॉल्वेंट एक है, तो इस सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे हम? बाइनरी सॉल्यूशन बोलेंगे। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं? गैशियस, लिक्विड और सॉलिड सॉल्यूशंस हो सकते हैं। इन्हें गैशियस, फॉर एग्जांपल इस गैशियस की बोला जा रहा है, यहाँ पे सॉल्वेंट क्या होगा? गैस रहेगा। ओके, जो ज्यादा इन क्वांटिटी है सॉल्वेंट, वो गैस रहेगा। सो अगर सॉल्यूट गैस है, गैस इन गैस, सो फॉर एग्जाम्पल मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। नेक्स्ट इज लिक्विड इन गैस, फॉर एग्जाम्पल क्लोरोफॉर्म मिक्सड विद नाइट्रोजन एंड ह्यूमिडिटी इन एयर ऑल्सो। नेक्स्ट इज सॉलिड इन गैस, फॉर एग्जाम्पल आयरीन वेपर इन एयर और कैम्फर इन नाइट्रोजन। नेक्स्ट इज लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट क्या होगा? लिक्विड रहेगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल गैस इन लिक्विड, कॉमन एग्जाम्पल्स आर एरेटेड ड्रिंक्स, ऑक्सीजन एंड वाटर।
Next is liquid in liquid. For example, methanol or ethanol in water. Next is solid in liquid. For example, salt or glucose or sugar or urea in water. Next is solid solution. Solid solutions mein solid will be, the solvent will be solid. So gas and solid ke example kya honge? It dissolved gases in minerals or hydrogen in palladium. Liquid and solid kya hoga? Hydrated salt, amalgam of mercury with sodium. And solid and solid hume pata hai, alloys hote hain ke example. For example, brass, German silver, bronze and 22 karat gold. Here we have taken 2 beaker. Okay, dono mein solvent hai aur equal amount ka solvent hai. Ek mein humne solute add kiya, jo ki zyada in quantity tha. दूसरे में हमने सॉल्यूट ऐड किया बट जो कम इन क्वांटिटी था. सो जहां पे सॉल्यूट ज्यादा होगा उसे हम क्या बोलेंगे? कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन. जहां पे सॉल्यूट कम होगा उसे हम क्या बोलेंगे? डाइल्यूटेड सॉल्यूशन. सो हमें ये तो पता चल गया कि कॉन्सेंट्रेटेड होगा जब सॉल्यूट ज्यादा होगा, डाइल्यूट होगा जब सॉल्वेंट ज्यादा होगा. बट कितना ज्यादा होगा हम इसको क्वांटिटेटिवली कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? सो कॉन्सेंट्रेट, फॉर दिस कॉन्सेंट्रेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन डिफरेंट वेज. फर्स्ट वे है परसेंटेज. सो परसेंटेज बाय मास कैलकुलेट कर सकते हैं हम, परसेंटेज बाय वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं एंड मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज भी कैलकुलेट कर सकते हैं एक कॉम्पोनेंट के लिए. लेट अस सी परसेंटेज बाय मास. परसेंटेज बाय मास का फॉर्मूला क्या होगा? अगर हमें एक कंपोनेंट का निकालना है तो मास ऑफ द कंपोनेंट इन सॉल्यूशन अपॉन में टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100. सो परसेंटेज आ जाएगी. लेट अस सी एन एग्जांपल. कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड बेंजीन इफ 22 ग्राम ऑफ बेंजीन इज डिसॉल्वड इन 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड. सो फॉर्मूला क्या होगा मास परसेंटेज का? मास ऑफ, अगर हमें मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन निकालना है तो मास ऑफ बेंजीन अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100. सो मास ऑफ बेंजीन हमें कितना दिया है? 22 ग्राम. मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? 22 प्लस 122, सो 144. सो 15.28, इट विल कम 15.28%. नेक्स्ट अगर हमें निकालना है CCl4 का, सो मास ऑफ CCl4 अपॉन में टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इन 200. सो ये कितना है? 122 अपॉन 122 प्लस 22, यानी कि 122 अपॉन 144, और हमारा आंसर आ जाएगा 84.72%. नेक्स्ट इज परसेंटेज बाय वॉल्यूम. वॉल्यूम परसेंट हम कैसे निकाल सकते हैं? वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट कितना है अपॉन में टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन 200. लेट अस सी एन एग्जांपल. Calculate the volume percent of a solution made by combining 50 milliliter of ethanol with enough water to produce 500 ml of the solution. Okay, यहाँ पे हमें क्या दे रखा है? Volume दे रखा है, solution का भी और solute का भी. So formula, what is the formula? Volume percentage is equal to volume of solute upon volume of solution into 100%. So 50 upon 500 into 100%. It will come 10%. Next is percentage. Mass by volume. Yani ki mass of the component in the solution upon the total volume of the solution. Let us see an example. If 60 gram of sugar dissolved in 500 ml of sugar solution, calculate the mass by volume percent. So mass of the component upon total volume of the solution into 100. So it will be 60 upon 500 into 100. Yani ki 12% solution. 12% mass by volume percent hai. नेक्स्ट इज स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन. अगर हमें स्ट्रेंथ निकालनी है सॉल्यूशन की, देन
The formula is mass of the solute in grams upon volume of the solution in liters. Next is molarity. If you want to calculate molarity, molarity is what? It is the number of moles of solute in liter volume. या फिर एक और फॉर्मूला हो सकता है, मोलारिटी इज इक्वल टू स्ट्रेंथ इन ग्राम्स पर लीटर अपॉन मोलर मास. नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं? गिवन मास अपॉन मोलर मास. सो यहाँ पे स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? गिवन मास अपॉन वॉल्यूम. सो मोलारिटी का और फॉर्मूला क्या हो सकता है? स्ट्रेंथ इन ग्राम्स पर लीटर अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स पर मोल. एंड वॉट इज फॉर्मैलिटी? It is the number of formula weights of ionic compound upon the volume of solution in liter. Let us see an example. We have to calculate the molarity of 50 gram of sulfuric acid diluted to 500 ml. So molarity, pehle hum given, what is given to us? Molar mass of sulfuric acid kya hoga? Calculate karne pe 98 gram. It is approximately 98 gram. And volume of solution is given 500 ml. And molarity का formula क्या होगा? Given mass upon molar mass upon volume in liter. So 500 ml दिया था, तो 500 को 1000 से divide किया, and the answer will come 1.02 molars. Next is normality. अब normality क्या होता है? It is denoted by n, which is equal to number of gram equivalents of solute upon volume of solution in liter. Gram equivalent क्या होगा? Gram equivalent होता है amount of substance which react या फिर supply करे 1 mole ion को या फिर 1 mole electron को. Okay, for example H2SO4. H2SO4 किस में डिसोसिएट होगा? 2H प्लस आयन. एंड सल्फेट आयन. ओके, सो यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट क्या होगा? सल्फ्यूरिक एसिड का ग्राम इक्विवेलेंट क्या होगा? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड अपॉन, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन रिएक्ट करेंगे? 2. सो इट विल बी 49 ग्राम पर इक्विव. ऑलराइट, अब नॉर्मैलिटी का एक और फॉर्मूला हो सकता है, स्ट्रेंथ इन ग्राम्स पर लीटर अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट. अब नॉर्मैलिटी ऑफ सॉल्यूशन को हम एक और फॉर्मूला हो सकता है, मोलारिटी इनटू मोलर मास अपॉन इक्विवेलेंट मास. इफ यू वांट टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट, देन क्या होगा? एटॉमिक मास अपॉन द वॉल्यूम ऑफ द एलिमेंट. अगर हमें कैलकुलेट करना है इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड, सो इट विल बी मॉलिक्यूलर मास ऑफ एसिड अपॉन द बेसिसिटी ऑफ द एसिड. फॉर एग्जाम्पल अगर H2SO4 में ही देख ले हम, तो मॉलिक्यूलर मास रखा हमने ऊपर और बेसिसिटी ऑफ एसिड हमने नीचे रखी. बेसिसिटी ऑफ एसिड यानी कि कितने हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएंगे. ओके, कितने हाइड्रोजन आयन रिप्लेस हो जाएंगे. नेक्स्ट इज इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस. सो इट विल बी मॉलिक्यूलर मास ऑफ द बेस अपॉन एसिडिटी ऑफ द बेस. नेक्स्ट इज इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्ट. So molecular mass of the salt upon the total positive valency of the metal. Next is equivalent mass of iron. ये क्या होगा? Formula mass of iron upon the charge on iron. Next is molality. Molality is denoted by small m, which is equal to number of moles of solute upon mass of solvent in kilogram. मोलैरिटी और मोलैलिटी में क्या डिफरेंस होता है? मोलैरिटी के फॉर्मूले में क्या था? वॉल्यूम था. मोलैलिटी में क्या है? बस मास ही यूज हो रहा है. एंड वॉल्यूम इज डिपेंडेंट अपॉन टेम्परेचर.
लेकिन मास क्या होता है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर से मास पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. सो वी प्रेफर मोलैलिटी ओवर मोलैरिटी टू रिप्रेजेंट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन. लेट अस सी एन एग्जांपल. A sample of drinking water was found to be severely contaminated with chloroform, supposed to be carcinogenic in nature. The level of contamination was 15 parts per million by mass, determined the molality of chloroform in the water sample. So, molality ka formula kya hai? Number of moles of solute upon mass of solvent in kilogram. So, molar mass of chloroform kya hoga? 119.5 gram per mole. Ab usse solute ki solute को ppm में रिप्रेजेंट किया, 15 ppm. सो हमें ppm को ग्राम्स में चेंज करना होगा. सो 1 ppm क्या होता है? इट इज इक्विवेलेंट टू 1 पार्ट ऑफ 10 रेज टू पावर 6 पार्ट. 15 ppm क्या होगा? 15 पार्ट आउट ऑफ 10 रेज टू पावर 6. अब 1000 ग्राम में, सैंपल के 1000 ग्राम में कितने होंगे? 15 इनटू 1000 अपॉन 10 रेज टू पावर 6, व्हिच विल कम आउट टू बी 1.5 इनटू 10 रेज टू पावर माइनस 2 ग्राम ऑफ क्लोरोफॉर्म. So we'll put the values in the formula. 1.5 into 10 to the power minus 2 upon 119.5 into 1000, which will come out to be 1.25. Next question. A solution of glucose, molar mass is 180 gram per mole in water, is labeled as 10% by mass. What would be the molarity and molality of the solution? Density is given. इसे सॉल्यूशन ग्लूकोज कितना बोला है? 10% बाय मास. ठीक है, तो नंबर गिवन मास हम क्या मान सकते हैं? 10 ग्राम. सो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे? 10 अपॉन 180. वॉल्यूम क्या होगा यहाँ पे? वॉल्यूम का फॉर्मूला इज मास अपॉन डेंसिटी. सो मास कितना होगा, मास सॉल्यूशन का कितना होगा? 100. एंड डेंसिटी कितनी होगी? इट इज गिवन 1.2. सो 100 अपॉन 1.2. अब मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज अपॉन मोलर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ग्लूकोज इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. सो हम इसे क्या लिख सकते हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज हो जाएगा 10 अपॉन 180 इनटू वॉल्यूम कितना है? 100 अपॉन 1.2, यानी कि 100 अपॉन 1.2. और इसे लीटर में करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर. सो इट विल कम आउट टू बी 120 upon 180, which is equal to 2 by 3, which is equal to 0.67 moles per liter. Next is, अब mass of solution क्या है? 100 gram. Mass of solute हमें पता है 10 gram. So mass of solvent कितना हो गया? 90 gram. Molality का formula mass of solute upon molar molecular mass into 1000 change करने के लिए किलोग्राम में upon mass of solute. So values put कर देंगे, so it will come out to be 0.617 moles per kilogram. Next is mole fraction. Mole fraction of component 1 kya hoga? Number of moles of component 1 upon total number of moles in component 1 and component 2. Next is number of, agar hame mole fraction nikalna hai component 2 ka, to number of moles of 2 upon number of moles in 1 and number of moles in 2. मोल फ्रैक्शन है तो द सम ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स मोल फ्रैक्शन इट विल बी 1. लेट अस सी एन एग्जांपल. कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलीन ग्लाइकॉल एंड वाटर इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ इथाइलीन ग्लाइकॉल बाय मास. सो 20% बोला इसने, यानी कि कितना हो जाएगा? 20 ग्राम ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा और इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन. तो मास ऑफ सॉल्यूट 20 ग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट 80 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? 62 ग्राम पर मोल. सो मॉलिक्यूलर मोलर मास क्या हो जाएगा यहाँ पे वाटर का? वो 18. अगर मेरे को कंपोनेंट 1 यानी कि इथाइलीन ग्लाइकोल का निकालना है तो क्या होगा? गिवन गिवन मास ऑन मोलर मास नंबर ऑफ मोल्स इट विल बी 0.322. नंबर ऑफ मोल्स वाटर के कितने होंगे? 80 अपॉन 18. So mole fraction of glucose will be number of moles of glucose upon number of moles in glucose plus number of moles in water. So it will come out to be 0.068. ऐसी mole fraction of water निकाल लेंगे. हम इसे क्या कर सकते हैं? 1 से subtract करके भी निकाल सकते हैं और इस formula में put करके भी निकाल सकते हैं.
नेक्स्ट इज मास फ्रैक्शन. मास फ्रैक्शन इज सिमिलर टू मोल फ्रैक्शन. अब इधर क्या होगा, यहाँ पे मास आ जाएगा. ओके, जैसे कंपोनेंट ए का निकालना है, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स थे मोल फ्रैक्शन में, यहाँ पे क्या होंगे, मास होगा. सो मास ऑफ कंपोनेंट ए अपॉन मास ऑफ कंपोनेंट ए प्लस मास ऑफ कंपोनेंट बी, और मास फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी इज इक्वल टू मास ऑफ बी अपॉन मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी. ये भी क्या होता है, वन के इक्विवेलेंट. नेक्स्ट इज पार्ट्स पर मिलियन. अगर हमें एक ए कंपोनेंट का निकालना है तो हम मास ऑफ ए लिखेंगे अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10^6. लेट सी एन एग्जांपल. इफ 0.0015 ग्राम ऑफ NaCl कैन बी डिसॉल्वड इन 100 ml ऑफ वाटर, देन वी हैव टू कैलकुलेट इट इन ppm. ओके, पार्ट्स पर मिलियन. सो ये क्या होगा, 0.015 ग्राम इंटू 10^6 अपॉन 100. ओके, वॉल्यूम कितना दे रखा है, 100. सो इट विल कम आउट टू बी 15 ppm. लेट अस सी द रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम एंड नॉर्मैलिटी. इसे हम क्या बोलते हैं, नॉर्मैलिटी इक्वेशन बोलते हैं. अगर v1 वॉल्यूम को डाइल्यूट किया v2 वॉल्यूम में और नॉर्मैलिटी चेंज हुई n1 से n2 में, so the relation will be n1 v1 is equal to n2 v2. Next is the relationship between volume and molarity. इसे हम क्या बोलेंगे, molarity equation भी बोलते हैं. अगर v1 से change हुई v2 में and molarity का change हुई m1 से m2 में, so m1 v1 is equal to m2 v2. So if you have any doubt in the topic we discussed, you can drop your question in the comment section. And thank you for watching.